ये जो हमारी पीसीबी है ना, ये कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रही। जिसको खिलाना चाहिए वो उसको खिला नहीं रहे, जिसको बिठाना चाहिए उसको बिठा नहीं रहे। बेसिकली सबसे बड़ी गलती फील्डिंग है, दूसरी फिर है कि बॉलिंग में कभी कभी हुए थे, कभी बाबर आजम भी आउट हुए थे, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। पाकिस्तान क्या देखते हैं, सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं? उम्मीद तो 100% है, लेकिन बीके ना, मतलब जो जुआ हो रहा है इसमें बहुत बड़ा जुआ हो रहा है। अब अंपेयर को देख लो, जब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच हो रहा था वो साफ नजर आ रहे वो आउट था, लेकिन बाद में अंपेयर के नॉट आउट, बाद में अंपेयर के खत्म हो गए मैच, अंपेयर कह रहे सॉरी ये कर रहे हैं, ये क्या सा कर रहे, ये तो फिर सारे हम जुआ हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू रिपब्लिक के साथ मैं हूँ आयशा मिर्जा। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन की तादाद बहुत बड़ी है, जिस वजह से पाकिस्तान में ना सिर्फ क्रिकेट देखा जाता है बल्कि इस पर बहुत मुनफरिद और मज़ेदार अवामी तज्जिए और तबसरे भी सामने आते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता होने वाले मैच में बांग्लादेश को तो शिकस्त दे दी, लेकिन क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं, यही जानने के लिए आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक मार्केट में, जहां हम शायकीने क्रिकेट से जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है और उनकी क्या राय है। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अच्छा अब्दुलरहमान, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देख के क्या कहेंगे उसके ऊपर? दिल तो बहुत बुरा कहने को करता है कि जो मामला दिखा रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो किसी काबिल भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्या देखते हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगा? उम्मीद तो बड़ी है, अब जो बुरा है या अच्छा है तो हम पाकिस्तानी उसके खिलाफ थोड़ी हो सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि परसों चौथ जो न्यूजीलैंड के साथ उसका मैच है पहले, वो जीतेगा तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे कि सेमीफाइनल में जाएगा। तो क्या लगता है कौन सी गलतियां हम ऐसी कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में जिसकी वजह से हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये पता नहीं, ये जो हमारी पीसीबी है ना, ये कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रही। जिसको खिलाना चाहिए वो उसको खिला नहीं रहे, जिसको बिठाना चाहिए उसको बिठा नहीं रहे। हत्ता कि वो सामा मीर और जो आगा सलमान है कुछ भी नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं कर रहे। उनको सारे मैच खिलाए जा रहे हैं, फाखर जमान को बाहर बिठाया था अब खिलाया, बोला उन दोनों में से किसी को बाहर। आगा सलमान क्या परफॉर्मेंस दी है, जितनी भी मैंने उनके मैच देखे अभी तक तो मैंने उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी। उसको बेफजूल खिलाई जा रहे हैं और इमामुल हक की इमामुल हक को बिठाया है, फाखर को चांस दिया है, चल गया। वो बहुत बड़ा प्लेयर है फाखर जमान, उसको कंफ्यूज। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी तक क्या लगता है आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमारी टीम से, कौमी क्रिकेट टीम से किस प्लेयर की जा रही है? मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा जो है ना मोहम्मद रिजवान खेल रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा वही खेल रहा है, जिम्मेदारी से खेलता है। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने वापस आना है कैप्टन इसरा भी बनेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे लिए अच्छी उम्मीद है। इंशाल्लाह सैटरडे को मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान विन करेंगे तो इंशाल्लाह सीधा सेमीफाइनल में। तो आप मुझे बताएं कि कौन सी एक मेजर गलतियां हैं जो अभी तक पाकिस्तान ने की हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा, हमने बैक टू बैक काफ़ी मैचेस लूज भी किए हैं? बेसिकली सबसे बड़ी गलती फील्डिंग है, दूसरी फिर है कि बॉलिंग में कभी कभी हुए थे, कभी बाबर आजम भी आउट हुए थे, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। इनको इंजमामों को कम से कम खिलाना चाहिए, क्योंकि वो अब टेस्ट प्लेयर का वनडे का प्लेयर नहीं है, वो उसको हमेशा टेस्ट पे खिलाना चाहिए, वो टेस्ट का ही बेहतरीन प्लेयर है। थैंक यू। तो जैसे हमने इनसे बात की तो अभी हम मजीद लोगों से भी बात करते हैं, उनकी तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सलाम, क्या नाम है आपका? कामरान। अच्छा कामरान, मुझे ये बताएं पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस कैसी देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप? पहले जो आप देख रहे हैं, दोस्त ने दो मैच जीते हुए अच्छे मैच जीते हुए थे, बाद में उसने इंडिया के साथ उसने आरता ही आरता आ गया था, लेकिन ये मैच हुए थे वो मज़ा नहीं आया, मतलब इस तरह हुआ था फीस किए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो एक मैच जीता ना कि फॉर्म पे आ गए, इस लोगों ने गलती की थी, फकर को निकलाया था। लोग कहते ना फकर खेल नहीं सकता, उसका ये मसला था, उसको कुछ मसला भी नहीं था, इस लोगों ने जानबूझ के उसको बिठाया हुआ था। देखो फकर ने कैसे बैटिंग की, तबाही बचाई थी, उसने एक एक चक्कर में गए, लोग ऐसे एंट्री वाले बंदे देखे वो ऐसे ऐसे करते थे। फकर इस डिफरेंट बैट्समैन है, वो कभी भी वो सो क्रॉस कर सकता है, लेकिन लोगों ने जानबूझ के वहाँ पर बिठाया हुआ था। अभी तो चांस है पाकिस्तान को, बहुत बड़ा चांस है, लेकिन रन रेस है। पाकिस्तान दो मैच जीते और लूजने दो लगातार आ रहे। अच्छा मुझे ये बताएं पाकिस्तान क्या देखते हैं, सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं? उम्मीद तो 100% है, लेकिन बीके ना, मतलब जो जुआ हो रहा है इसमें बहुत बड़ा जुआ हो रहा है। अब अंपेयर को देख लो, जब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच हो रहा था वो साफ नजर आ रहे वो आउट था, लेकिन बाद में अंपेयर के नॉट आउट, बाद में अंपेयर के खत्म हो गए मैच, अंपेयर कह रहे सॉरी ये कर रहे, ये क्या सा कर रहे, ये तो फिर सारे हम जुआ हो रहे। आपको लगता है परफॉर्मेंस के साथ साथ इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम को दुआओं की भी बहुत ज्यादा जरूरत है? बहुत ज्यादा, हम दुआ करेंगे नहीं कि हम दुआ क्या करें, जो हम दुआ करते जाएंगे वो पैसे लेते जाएंगे तो फायदा क्या है, दुआ तो काम नहीं आएगा ना फिर। बहुत शुक्रिया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जरूर जाए फाइनल में। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी टीम इस बार बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई है, तो क्या ख्याल है किस किस्म का प्रेशर ले रही है टीम? प्रेशर किसी चीज़ का नहीं होता, ये सिर्फ माइंड की बात होती है, अदरवाइज प्रेशर नहीं होता। तो आपको लग रहा है हम जीत जाएंगे इस बार? इंशाल्लाह क्यों नहीं जीतेंगे, पाकिस्तानी है, जीतना तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? बाबा खान।
तो बाबा खान बताइए, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप पे अब तक की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? पाकिस्तान की तो वर्ल्ड कप की अभी उन लोगों की जो किरदार है तो कमज़ोर जो बीमार लोग हैं उन लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ये इन लोगों की ऐसे हालात है तो थोड़ा इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग। आपको लगता है हमारी टीम में अनफिट प्लेयर्स हैं जो बीमार हैं या इंजर्ड हैं? नहीं नहीं, उनको उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्रिकेटर जो है अनफिट है बीमार है। आवाम जो 24 करोड़ आवाम इसको देख रही है उसमें काफ़ी बीमार शख्स होते हैं, कोई दिल की बीमार होता है कोई, तो ये इन लोगों को डबल और बीमारी बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को या ऐसा अकेले कि कोई उम्मीद ना हो या फिर ऐसा अकेले के उम्मीद ही उम्मीद हो, और ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि अभी अभी कुछ ना कुछ हो जाए, इधर बीमारी इन लोगों के आवाम की और बढ़ जाती है। अच्छा, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैच हारा भी है ना वर्ल्ड कप में, तो लोगों को लगता है कि पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल तक ना क्वालिफाई कर पाए। आपको क्या लगता है, सेमीफाइनल में पहुँच जाएंगे हम? ये आवामी बातें हैं कि मतलब पहुंच जाए या ना पहुंच जाए ये सिर्फ रब जानता है, कोई इंसान तो नहीं, कोई बहुत बड़ा पहलवान भी छोटे पहलवान से गिर जाता है, ठीक है, मगर इंसान की इरादे बुलंद होने चाहिए, तो इंसान की जब इरादे मजबूत हो तो फिर वो पार से बैठे। आपको लगता है अगर अच्छे से हम अपने अगले दो आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म हमारी टीम करे तो हम सेमीफाइनल तक पहुँच जाएंगे? उनकी इरादा अगर कमज़ोर ना हो, इरादे कवि अगर बनाए, ताकतवर बनाए तो सेमीफाइनल नहीं वर्ल्ड कप भी लेके आएगा अगर इरादे कवि हो, वरना ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा मैच सही खेले, मैच वो बनाए 150-200 बनाए 100 बनाए। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? अब्दुल बासित। अच्छा अब्दुल बासित, ये बताएं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अब तक वर्ल्ड कप में कैसी जा रही है? परफॉर्मेंस बस ठीक है, गुजारे लायक है, जितने जोगे हैं उतने जोगे कर भी रहे हैं। फिर कितने जोगे और क्या करना चाहिए हमें? करना चाहिए बस ये टीम खत्म कर देनी चाहिए, बस पाकिस्तान की टीम इसको खत्म कर देना चाहिए, नई टीम बनानी चाहिए, नई टीम बनानी चाहिए, चेयरमैन मुझे खुद बनाना चाहिए, मैं टीम खुद सिलेक्ट करूंगा। आपको लगता है आप में इतना पोटेंशियल है? मेरे में बड़ा पोटेंशियल है इंशाल्लाह, मुझे एक बार ये चेयरमैन बनाए, पुराने खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनको वापस लाएंगे, काफी ज्यादा प्लेयर हैं जो बेचारे खेल सकते हैं उनको नहीं खिला रहे, अभी आमिर को भी बाहर किया हुआ है, सरजील भी खेलने वाला है, अहमद शहजाद है उस पर भी थोड़ा सा काम किया जाए तो अहमद शहजाद भी खेल सकता है, बाकी और भी 3-4 लड़के हैं जो खेल सकते हैं, मगर कोई नहीं, ये पाकिस्तान बस इनका कोई नहीं हाल किसी भी तरह। अच्छा, अभी तक की परफॉर्मेंस देख के आपको लगता है पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा? नहीं, कोई नहीं, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचना इन्होंने, बिल्कुल उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, उम्मीद छोड़ इस देने इस तरह चाहिए, क्योंकि हर साल यही होता है कि अब आज कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच हुआ, यही था कि अगर वो जीतेंगे तो हम आगे जाएंगे, ठीक है, किसी के दारो मदार के ऊपर जाना तो फिर इससे अच्छा ये वापस आ जाएं, फिर वापस पूरा करें, दफा करें, खेलना क्या है इन्होंने। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या नाम है? उज़ैर। अच्छा उज़ैर, ये बताएं, पाकिस्तान में बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद है बड़ों के साथ साथ, आपको पसंद है? जी पसंद है। टीम में फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका? बाबर आजम। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, वर्ल्ड कप देख रहे हो? जी देख रहे हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जो है वो जीत सकती है या नहीं लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, बस आउट पे आउट हो रही है, तो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकती? मुश्किल है, नहीं पहुंच सकती, कोई कोशिश अगर की जाए तो पहुंच सकते हैं किसी तरह? हाँ, अगर एक एक ने सेंचुरी या 50 रन बनाए तो फिर पहुंच सकते हैं। कोई मैसेज अपनी टीम के लिए? बस पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, जैसे आपने आवाम के तज़िये और तबसरे देखे, तो मज़ीद ऐसी इंफरटेनमेंट बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और उर्दू रिपब्लिक को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।